से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन की वजह से ही हमारे इन्वायरमेंट में आसपास जो भी चीजें होती हैं, वेदर से जुड़ी हुई चीज हो या और भी कोई चीज हो, वो भी इसी चीज पे डिसाइड होती है। तो इसकी वजह से कैसे सर्कुलेशन चलता है, कैसे हॉरिजेंटल चलेगा या वर्टिकल चलेंगी, वो सब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है? या तो प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर डिफरेंस। तो प्रेशर, इसके बारे में हमें सबसे आसानी से बताते हैं भी कैसे ये सारी चीजें होता है। पहली सिचुएशन ये देता है कि अगर हमारी अर्थ पर सिर्फ टेम्परेचर ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता कि भाई कैसे चलेंगी, तो हमने देखा था भाई 0 डिग्री पर टेम्परेचर हाई था और यहां से विंड ऊपर की तरफ क्लिम करके चली, और टेम्परेचर का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन था। तो इसका मतलब इधर लो प्रेशर, इधर वाले एरिया में हाई प्रेशर। वही 90 डिग्री पे क्या था? उल्टा था, जो हमारी एयर है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रही थी और इधर जो टेम्परेचर है वो लो है, इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर। और ऐसा ही 90 डिग्री साउथ में भी होता। और हमने देखा था कि भाई जो विंड की डायरेक्शन होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, तो इधर से नीचे की तरफ कैसे चलती? 90 डिग्री से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ, इधर से 90 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ। लेकिन ऊपर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता? रिवर्स हो जाता, इक्वेटर से पोल की तरफ। ऐसे विंड चलती अगर हमारे पास सिर्फ दो ही बेल्ट होते और इनके बीच ही ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता। तो ये बोलते कि ये नॉर्मल फेनोमिना होता अगर हमारे पास और कोई डिसाइडिंग फैक्टर ना होते। लेकिन हमने कल देखा कि भाई और भी फैक्टर डिसाइड करते हैं, सिर्फ प्रेशर या टेम्परेचर डिफरेंस वो रीजन नहीं है जो इस सर्कुलेशन को डिसाइड करता है। इसके अलावा हमारी अर्थ का रोटेशन भी मैटर करता है। और साथ में ही हमने एक और फोर्स देखा था, कॉर्नवालिस फोर्स, वो भी डिसाइड करता है कि भाई कैसे किस डायरेक्शन में कोई विंड चलेगी। और उसकी स्पीड को तो वो डिसाइड नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन को जरूर इंपैक्ट कर देता है। तो उस वजह से जो बेल्ट हमें बनते हैं वो सिर्फ दो नहीं बनते, इसके अलावा भी और भी बेल्ट बनते हैं। तो नॉर्मल में ये तो हमने देखा कि ऐसा आइडियल सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हमारी अर्थ पर और भी बहुत सारे रीजन की वजह से या आर्टिफिशियल जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से बहुत सारे अलग जोन दिखाई देते हैं, और उसके बनने का रीजन भी कुछ और होता है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई ये तो नॉर्मल रहेगा ही कि 0 डिग्री के पास टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर है, इस वजह से ऊपर जाएगा तो हाई प्रेशर बनेगा। लेकिन हमने देखा था 30 डिग्री पर नीचे की तरफ विंड आ रही थी और उसका एक रीजन क्या था? रोटेशन, हमारी अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से। जब अर्थ का रोटेशन होता है तो उसकी वजह से सर्कुलेशन क्रिएट होता है और यहाँ विंड नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड उसका होता है। तो इसका मतलब नीचे की तरफ हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर। ऐसा ही साउथ वाले में भी होता है, इधर लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर। वही 60 डिग्री में क्या होता है? एक विंड आएगी 30 डिग्री से, दूसरी विंड आएगी 90 डिग्री से, इन दोनों के बीच कन्वर्जेंस होगा और एक फ्रंट क्रिएट होगा, और फिर जो गर्म वाली वार्म वाली एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ पर लो प्रेशर और ऊपर हाई प्रेशर। ऐसा ही इधर होगा साउथ में भी, इधर टेम्परेचर हाई होने की वजह से दोनों के बीच डिफरेंस की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट होंगी। और फिर 90 डिग्री में नीचे की तरफ हमने देखा ही था कि भाई टेम्परेचर कम होने की वजह से नीचे की तरफ विंड का आना होगा। तो ऐसे हमारे में रियल जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है, और इन सब को सर्कुलेशन जो प्रोवाइड करता है हाई से लो,
फिर यहाँ हाई से लो, और इस सर्कुलेशन को जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? कोरियोलिस फोर्स। और इसीलिए हमारी अर्थ पर जो हम लोग अलग अलग सीजन देखते हैं, चाहे वार्म वाला सीजन हो, समर आप लोग देखते हो, या फिर विंटर का टाइम आप लोग देखते हो, ये सब इस सर्कुलेशन पे डिसाइड करता है कि विंड का सर्कुलेशन क्या होता है। और जिन जिन लोगों ने इनके बारे में बताया उनके बेस पे हमने उनका नाम दे दिया। तो 0 से 30 डिग्री बारे में किसने बताया? हेडले जी ने बताया, तो हमने बोला ये वाला हेडले सर्कुलेशन है, तो हेडले जी के नाम पर 0 से 30 वाले कौन है, और 30-60 वाले को किसने बताया? फ्रेल ने बताया, तो हमने बोला फ्रेल सर्कुलेशन। ऐसे हमने इनका नाम रख दिया जिस जिसने जो जो बताया। और हमारी अर्थ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एटमोस्फियरिक बेल्ट हमें दिखाई देते हैं, सिर्फ दो बेल्ट नहीं है जैसा हम ऊपर देख रहे थे, बहुत सारे बेल्ट है जिसमें से एक बेल्ट है, दो और तीन। हर हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 3, तो टोटल हमारी अर्थ पर 6 बेल्ट बनते हैं जिसके थ्रू विंड का सर्कुलेशन होता है। और ये विंड का सर्कुलेशन ही डिसाइड करता है कि हमारी एटमोस्फियर में चेंज क्या हो। जैसे अगर हम बात करें हेडले में कैसे चलता है, तो हेडले में हमें दिख रहा है कि सरफेस के पास 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ पहले विंड चलती है, और वहीं ऊपर की तरफ बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, इक्वेटर से कहां पर 30 डिग्री की तरफ चलती है। या हम कह सकते हैं ये वाला जोन क्या होता है, 0 डिग्री वाला ट्रॉपिकल और इधर वाला सब ट्रॉपिकल। तो हेडले सेल इज क्रिएटेड बाय सर्कुलेशन ऑफ विंड हॉरिजेंटली इन द सरफेस फ्रॉम सब ट्रॉपिकल पॉइंट टू ट्रॉपिकल इक्वेटर एंड इन एटमोस्फियर ट्रॉपिकल स्पियर विंड रनिंग इनवर्स डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेटर ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एरिया एंड दिस सर्कुलेशन इज क्रिएटेड। और इसका सर्कुलेशन का क्रिएट होने का रीजन क्या है? पहला रीजन टेम्परेचर चेंज, दूसरा रीजन प्रेशर में चेंज, और थर्ड रीजन इसमें जो सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है वो कोरियोलिस फोर्स। तो ये सारी चीजें, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इस हेडले सेल को बनाने में हेल्प करती है। तो ऐसे हमारी अर्थ पर, ऐसे ही हमारी अर्थ पर फ्रेल सेल होता है। फ्रेल सेल में थोड़ा सा इनवर्स हो जाता है, नीचे की तरफ सरफेस में कहां से चलता है, सब ट्रॉपिकल से लेकर हमारा सब पोलर जोन, 60 डिग्री वाला जो जोन है उसे सब पोलर जोन कहते हैं। उधर की तरफ चलता है 30 डिग्री से सब पोलर की तरफ, और ऊपर की तरफ उल्टा हो जाता है, सब पोलर से किधर की तरफ, 60 डिग्री की तरफ। और 30 और 60 डिग्री वाले जो एंगल है इसकी वजह से क्रिएट हुए, आर्टिफिशियली क्रिएट हुए हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से। और वही 90 डिग्री और 0 डिग्री वाले टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से सर्कुलेशन क्रिएट हुआ। और इन सर्कुलेशन बेल्ट में जो जोन जिस सर्कुलेशन बेल्ट में होता है वहां का मौसम या वेदर वैसा ही होता है, और वैसा ही वहां का क्लाइमेट होता है। तो कहीं ना कहीं ये बेल्ट डिसाइड करते हैं कि भाई आप लोगों के यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, किस एरिया में आप लोग पढ़ते हो तो उसके बारे में कैसा होगा। ये सारी चीजें इन बेल्टों के बेस पर डिसाइड होती है, और उसी बेस पे हम अर्थ को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर, सब पोलर जोन में डिवाइड करते हैं। तो इसका मेन रीजन होता है विंड की डायरेक्शन, सर्कुलेशन किस फॉर्म में चल रहा है। और इसी से जुड़े हुए जो रीजनल फेनोमिना है वो आपको देखते हैं मानसून के रूप में। जैसे इंडिया में मानसून आता है, और विंड की डायरेक्शन अगर नहीं होगी तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगला इसी से जुड़ा हुआ है कि भाई विंड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी। तो विंड की डायरेक्शन को डिसाइड करने वाले पहला फैक्टर हमने देखा था
प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेडियंट का मतलब चेंज, तो दो प्रेशर के बीच में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन डिसाइड होगी और विंड की डायरेक्शन इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो पहला ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो प्रेशर में चेंज होता है वो बताता है हमें कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड की डायरेक्शन होती है। इसलिए हमने देखा भी जब इक्वेटर के नीचे देख रहे तो इक्वेटर पे लो प्रेशर था लेकिन 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, तो विंड की डायरेक्शन 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल से नॉर्थ नीचे की तरफ इक्वेटर में चल रही थी क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है। एक और रीजन कोरियोलिस फोर्स, इसको वर्ड जरूर याद रखना, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है और इस बार भी यूपीपीसीएस का आप एग्जाम लोगे या यूपीएससी का एग्जाम लोगे उसमें भी कोरियोलिस फोर्स के बारे में काफी पूछा गया था कि भाई कोरियोलिस फोर्स कैसे सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो ये सेल नहीं बनेगी और सेल नहीं बनेगी तो फिर टेम्परेचर में डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा और डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो अलग अलग वेदर या अलग अलग सीजन नहीं बनेंगे, तो इसके लिए कोरियोलिस फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोरियोलिस फोर्स किस चीज पर डिसाइड होता है, इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि इसका साइन थीटा के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और साइन थीटा आप लोगों को पता है कि जीरो पर कितना होता है जीरो और 90 डिग्री पर कितना होता है वन। इसका मतलब इक्वेटर के पास आप लोगों को कोरियोलिस फोर्स नहीं दिखाई देगा और 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट होगा और इसकी वजह से ही डायरेक्शन, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, ये हम अर्थ का मान लेते हैं, नॉर्मल सिचुएशन अगर होती तो हमारा ये टेम्परेचर हाई है यहाँ पर तो लो प्रेशर बनता है इक्वेटर पर, 30 डिग्री पे हमने देखा कि भाई विंड के जो हमारी अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से 30 डिग्री पर टेम्परेचर कम और इस वजह से हाई प्रेशर, 60 डिग्री पर 90 डिग्री और उधर से दोनों विंड आने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर और 90 डिग्री में हाई प्रेशर। अभी ये बोल रहा था कि भाई विंड की डायरेक्शन कैसी होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो इसका मतलब 30 डिग्री से इधर की तरफ होनी चाहिए थी, पोल से इधर की तरफ होनी चाहिए थी और इधर से ऐसे हमारी अर्थ पर विंड की डायरेक्शन होती अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, लेकिन कोरियोलिस फोर्स बीच में आ जाता है, बोले ऐसे नहीं होगा, मैं भी कुछ आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे अगर होता तो विंड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ चल रही होती, इन कोरियोलिस फोर्स बोलता है कि नहीं मैं विंड की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं और ये स्पीड नहीं बढ़ा सकता, जितनी स्पीड होगी कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट उतना बढ़ेगा। और आप लोग देखते हुए जब भी आप बाइक चलाएंगे या टू व्हीलर चलाएंगे या कोई भी व्हीकल चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है और कोरियोलिस फोर्स बोलता है कि भाई मेरी एक डायरेक्शन होती है, तो सबसे पहले याद रखना कोरियोलिस फोर्स स्पीड पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता बट डायरेक्शन चेंज कर सकता है और इसीलिए इसका एक और नाम क्या है, डिफ्लेक्टिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो डिफ्लेक्शन करता है, आप जहां जाकर जाना चाहते हैं उससे थोड़ा सा घूमने के लिए आपको मजबूर करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी एयरपोर्ट पे जो प्लेन होता है डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता, पहले पूरे एयरपोर्ट का एक पूरा सर्कुलेशन करता है और जब उसका बैलेंस बन जाता है उसके बाद ही वो लैंड करता है, अगर डायरेक्टली उसने लैंड किया तो प्लेन के क्रैश होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसका रीजन कोरियोलिस फोर्स काफी ज्यादा लगता है जैसे ही प्लेन नीचे की तरफ आएगा और वो उसे मजबूर करेगा कि भैया या तो आप लोग नीचे की तरफ एक सर्कुलेशन राउंड लगाओ तब आपको लैंड करने दिया जाएगा वरना आपका प्लेन क्रैश होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही होता है व्हीकल्स में, टू व्हीलर भी आप यूज करेंगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, अगर आप डायरेक्टली लैंड करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है
और हो सकता है कि आपका टूबलर ही गिर जाए। तो इस वजह से ये एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो सारी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ बस ऐसे ही सारी विंग चल रही होती, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये सारा सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। और कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन करता है, तो ये बोलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लीजिए इधर से इधर विंड चल रही है, तो क्लॉकवाइज मतलब थोड़ा सा इधर इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। क्लॉक ऐसे ही होता है ना, ये वाला क्लॉकवाइज और इधर का रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चला, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। या एक और तरीके से बोल सकते हो कि राइट साइड में थोड़ा सा आप झुक जाते हो, राइट साइड। दूसरी तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये अगर विंड की डायरेक्शन ऐसी है ये ऐसे चलेगा, या लेफ्ट साइड में आप थोड़ा सा झुक जाते हो। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले तो ये पूछा जाता है कि कोरियोलिस फोर्स है क्या। तो सबसे पहली बात, कोरियोलिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है जो विंड की स्पीड को तो चेंज नहीं करता पर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन लाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए मजबूर करता है किसी भी चीज। और इसकी वजह से जो विंड की डायरेक्शन है, अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्रेशर में चेंज एक फैक्टर होता तो विंड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ होती, बट प्रेशर ग्रेडियंट के अलावा कोरियोलिस फोर्स भी इंपैक्ट डालता है, इसलिए विंड की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और इसके बेस पे ही हमारी अर्थ पर अलग अलग प्लेनेटरी विंड, प्लेनेटरी विंड का मतलब होता है पूरे साल जो विंड एक डायरेक्शन में हमें दिखाई देती है उसे ही हम कहते हैं प्लेनेटरी विंड या प्लेनेट पे चलने वाली विंड। तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा, लेकिन कोरियोलिस फोर्स है तो इस वजह से कुछ चेंज होता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो चेंज होता है वो हमें दिखाई देता है। और सबसे पहले हम जो प्लेनेटरी विंड, अगला जो इसी से जुड़ा हुआ है प्लेनेटरी विंड, तो प्लेनेटरी विंड का अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, प्लेनेटरी विंड्स आर दोज विंड विच रनिंग इन अ सेम डायरेक्शन फॉर फुल ईयर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेनेटरी विंड कहते हैं। और हमारी अर्थ पर बहुत सारी प्लेनेटरी विंड दिखाई देती है। सबसे पहले 0 डिग्री वाला जो है, 0 डिग्री पर जो हमारी प्लेनेटरी विंड चलती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड। याद रखना जो 0 डिग्री पर चलती है उसे क्या कहते हैं, ट्रेड विंड। फिर उसके बाद जो हमें 30, उसके बाद 60 और ऊपर 90, ये 90 इनके बीच भी विंड दिखाई दे। देखो अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो यहां पर लो प्रेशर, इधर हाई, इधर लो, इधर हाई, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई से लो की तरफ, लेकिन अब इसको क्लॉकवाइज जाना है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ऐसे मूव करेगा। ऐसे ही इधर नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे होता, लेकिन अब इसे क्लॉकवाइज जाना है तो ये भी थोड़ा इधर मूव करेगा। ऐसे ही इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री से आएगा, तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे होता लेकिन क्लॉकवाइज जाना है तो ये भी इधर मूव करेगा। तो ऐसे डायरेक्शन जो है विंड की वो चेंज होती आप लोगों को दिखाई देगी,
और उसका रीजन कोरिओलिस फोर्स। और 0 से 30 डिग्री वाला जो जोन है उसमें कौन सी विंड होती है? ट्रेड विंड। और इसे एक और नाम कहते हैं क्योंकि ये वाली जो विंड है ईस्ट साइड से, जहां से विंड आती है उसी डायरेक्शन के बेस पे उसका नाम भी हो जाता है। तो ये ईस्ट साइड से आ रही है इसलिए इसको एक और नाम क्या दे दिया जाता है? ईस्टर्ली विंड। तो आपसे ईस्टर्ली विंड पूछा जाए या फिर ट्रेड विंड पूछा जाए उसका मतलब एक ही होगा। और इस ट्रेड विंड की वजह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड की डायरेक्शन होती है। और जब भी ट्रेड विंड के थ्रू कोई भी एक्टिविटी होगी या रेनफॉल होगी तो इसका मतलब जो कोस्ट है वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पर रेनफॉल में कमी आएगी। और आप लोग देखेंगे भी जब मानसून इंडिया में आता है तो जब वो बे ऑफ बंगाल से आता है तो बे ऑफ बंगाल साइड से जब वो एंट्री करता है तो उसकी डायरेक्शन ट्रेड विंड की तरह होती है क्योंकि इंडिया भी 0 से 30 डिग्री के बीच पड़ता है। और उस वजह से बे ऑफ बंगाल से या बंगाल उड़ीसा के कोर्स से आगे की तरफ बढ़ोगे राजस्थान तक पहुंचोगे वहां तक विंड का जो ह्यूमिडिटी हो कम हो जाएगा और इसीलिए राजस्थान में डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ और थार डेजर्ट हमें दिखाई देता है क्योंकि वो वेस्ट साइड में। और वर्ल्ड के हम देखेंगे भी वर्ल्ड में ज्यादातर जो डेजर्ट है वो सब वेस्ट साइड में, उसका रीजन वहां पे ट्रेड विंड का होना जिसकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट होती है और जब तक वेस्ट तक वो पहुंचता है तब तक उसके पास रेनफॉल की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। ऐसे अगली वाली जो विंड है 30 से 60 डिग्री, क्योंकि ये वेस्ट साइड से आती है, इधर से आप देखेंगे तो जहां से स्टार्ट होती है वहीं से हम डायरेक्शन, तो इसे विंड को हम क्या कहते हैं? वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड। और इंडिया में वेस्टर्ली विंड कब दिखाई देती है? सर्दियों के टाइम। सर्दियों के टाइम आप देखेंगे नॉर्दर्न जो इंडिया का पार्ट है, नॉर्दर्न माउंटेन और साथ में नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, हरियाणा पंजाब ये वाला जो जोन है वहां पर वेस्टर्ली विंड की वजह से रेनफॉल होती है और जो हमारी वीट की क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका इंपैक्ट कैसे होता है वहां पर, बारिश कैसे होगी? वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो रेनफॉल में कमी आएगी, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में सर्दियों के टाइम जो रेनफॉल होता है वो मेडिटेरियन सी से वेस्टर्ली विंड आता है उसकी वजह से होता है। अगर वो वेस्टर्ली विंड नहीं आती तो हमारे देश में रेनफॉल नहीं होती। और उसकी डायरेक्शन को चेंज कौन करता है? कोरियोलिस फोर्स उसे फोर्स करता है कि भाई आप थोड़ा सा घूमो और इंडिया की तरफ एक तरीके से जाओ। ऐसे ही हमारा जो मानसून जो आता है वो मानसून आप देखेंगे तो नीचे इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन, जब हमारे देश में समर सीजन होता है तो गर्मियां पड़ती हैं और गर्मियां पड़ने की वजह से टेम्परेचर हाई और हमारी लैंड पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और इधर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और इसकी वजह से ये विंड ऐसे पहले चल रही होती है और फिर कोरियोलिस फोर्स से इधर इंडिया की तरफ घूम जाती है। ऐसे ही इंडिया में मानसून आता है और उसका रीजन भी एक तो कोरियोलिस फोर्स जो उसे थोड़ी डायरेक्शन देता है इंडिया की तरफ जाने की, और दूसरा हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड का चलना, इन दोनों की वजह से मानसून इंडिया में आता है। और ऐसे ही पोल से जो चीजें चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोलर विंड। तो ये तीन विंड हमारी अर्थ पे चलती हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट विंड या प्लेनेटरी विंड जो रेगुलर वे में हमें चलते हैं। और ऐसा ही आपको कहां पे देखेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 0 से 30 डिग्री, इसको क्या कहते हैं हम? अब यहां पर एंटी क्लॉक जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल की तरफ जाएगा और यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमा दिए ऐसे। ऐसे ही 60 डिग्री में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही 90 डिग्री में ये भी एंटी क्लॉकवाइज।
तो ऐसे हमारे अर्थ पर बहुत सारी प्लेनेटरी विंड चलती है, और इसमें भी 6 ब्लॉक होते हैं। 3 ब्लॉक किधर होंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। 3 ब्लॉक किधर होंगे? साउदर्न हेमिस्फेयर में। और जो कंट्री जिस ब्लॉक में पड़ता है वहां पर वैसा ही मौसम या वैसा ही वेदर या वैसा ही क्लाइमेट आप लोगों को देखेगा, और उसका रीजन होता है इन सब के बीच इन प्लेनेटरी विंड का होना। और इन विंड की डायरेक्शन उसी बेस पर डिसाइड होती है कि भाई कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। और इससे देखो आप सारी विंड का देखेंगे कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे चलती है क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। हर किसी की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, और इसका रीजन कोरियोलिस फोर्स का होना, एक डिफ्लेक्शन फोर्स का होना जो इन विंड को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए मजबूर करता है। और इसी की वजह से हमारे अर्थ पर बहुत सारे वेदर क्लाइमेट या मौसम में जो भी चीजें होती हैं वो भी इसकी वजह से होता है। और इसी से जुड़ी हुई चीजें कि ये प्लेनेटरी जो विंड है वो हर टाइम एक जैसी नहीं रहती। नॉर्मल टाइम तो ये रहता है कि भाई 0 से 30 डिग्री ये चलेगी, 30 से 60 डिग्री ये वाली वेस्टर्ली चलेगी, लेकिन हमारी अर्थ पर टेम्परेचर में डिफरेंस भी होता है। जब समर सीजन आता है तो हमारी ITCSZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है, एक टर्म आता है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है? जब अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 23.5 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन की लाइट नॉर्मल टाइम में इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ती है, तो ITCZ वो इक्वेटर के पास होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा वो इक्वेटर का होगा। लेकिन समर सीजन में सन की लाइट 21 जून के आसपास डायरेक्टली पड़ती है किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और इसलिए ITCZ का नॉर्दर्न पार्ट की तरफ थोड़ा सा अपवर्ड हो जाता है, और ITCZ जब यहाँ पे बनता है तो सारी जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो हाई हो जाती है किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। कहने का मतलब समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ इन बेल्टों का ट्रांसफर होता है, और हर बेल्ट अपने बेल्ट से थोड़ा सा 15 डिग्री ऊपर की तरफ चला जाता है। ये सब किस में होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका मतलब जो 45 डिग्री वाला है वहां पर भी आपको ट्रेड विंड दिखाई देगी समर सीजन में, और वहीं जब विंटर सीजन आएगा तो ये ITCZ शिफ्ट हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और ये वाला जो है वो फिर नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब 0 से 15 डिग्री आपको ट्रॉपिकल विंड और 15 से 45 डिग्री आपको वेस्टर्ली विंड दिखाई देंगे। इसीलिए इंडिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या इंडिया के नॉर्दर्न जो पार्ट हैं स्टेटों में वहां पे आप लोग चेंज देखेंगे। समर के टाइम अलग सीजन होता है, और जैसे ही विंटर आती है उसके टाइम अलग सीजन होता है। विंटर आने का रीजन इस ITCZ का साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ थोड़ा सा झुकना, और उस वजह से हमारे वाले नॉर्दर्न पार्ट पर वेस्टर्ली विंड का इंपैक्ट पड़ता है, और वो वेस्टर्ली विंड जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाती है तो यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है, और हमारे देश में सर्दियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया में सर्दी पड़ने का एक सबसे बड़ा रीजन इन बेल्टों का ट्रांसफर होना, और ये बेल्ट ट्रांसफर किस वजह से होते हैं? ITCZ का ट्रांसफर होने की वजह से इन बेल्टों का भी ट्रांसफर ऐसा होता है। और कन्वर्जेंस का मतलब होता है दो जोन का मिलना, तो एक तरफ वेस्टर्ली दूसरी तरफ ट्रॉपिकली,
ये दोनों जोन जहां मिलते हैं उसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंस जोन। और ये नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा ही रहेगा, जीरो से 30 डिग्री ये, लेकिन जब सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी, जब ITCZ नॉर्दर्न की तरफ शिफ्ट होगा तब सिचुएशन अलग हो जाएगी, और साउथ की तरफ शिफ्ट होगा तब सिचुएशन अलग हो जाएगी। इसी को हम एक डायग्राम के थ्रू या इंडेक्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दो होता है, और इस वजह से ही अलग अलग, अगर इंडिया में देखोगे सर्दियां पड़ने का भी रीजन इस ट्रांसफर का ही होना है। अगर ये बेल्ट ट्रांसफर नहीं होते तो इंडिया में सर्दियां नहीं पड़ती, और सर्दी पड़ती है उसका एक रीजन ये वाला आप लोगों ने बना लिया होगा, प्लेनेटरी विंड, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ इस प्लेनेटरी विंड में चेंज कैसे होता है, डायरेक्शन में चेंज होने का रीजन। तो हम तीनों कंडीशन देखेंगे, भाई नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, और उसके बाद समर टाइम में क्या होता है, और विंटर टाइम में क्या होता है। तो आप लोग भी इंडेक्स ये बनाते जाना, आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा कैसे टेम्परेचर अलग अलग जगह अलग अलग कैसे रखना। पहले नॉर्मल सिचुएशन, ये हमने देखा है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जीरो से 30 डिग्री ट्रेड विंड, थर्टी से 60 डिग्री वेस्टर्ली, और 60 से 90 डिग्री पोलर। इन विंड का इंपैक्ट हमें दिखाई देता है, और ऐसा ही रिवर्स आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा, 30, 60, 90, और इन सब में चेंज जो होगा वो किसकी वजह से होगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये ईस्ट से वेस्ट साइड की तरफ एक तरीके से है, ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे उसमें चलता रहता है। और जब समर सीजन आता है तो ITCZ थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो 0 से 45, अब 30 नहीं, 0 से 45 आपको क्या दिखेगा, ट्रेड विंड। और यहां से डायरेक्शन आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, क्लॉक ऐसे हमारा चलता है, तो ये भी ऐसे एक तरीके से डायरेक्शन में चलेगा। और फिर उसके बाद और बेल्ट भी वेस्टर्नली कहां पहुंच जाएगा, 45 से 75, 15 ये 30 डिग्री सब चल रहा था, तो वेस्टर्नली का ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे हमारा चेंज होता है, और ऐसा ही होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहां पे बेल्ट अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो समर सीजन में ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होता है, और उसका रीजन ITCZ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होना। विंटर सीजन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अब जो नॉर्मल ये ट्रेड चल रहा था इसकी कंपैरिजन जो वेस्टर्नली है वो 30 से 60 हम लोग देख रहे थे, तो स्टार्ट होगी इधर से 60 से, और 60 से कहां तक पहुंचेगी, 15 डिग्री के आसपास, और ये ट्रॉपिकल वाला नीचे की तरफ 15 डिग्री। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो गया, और इंडिया में सर्दियां पड़नी स्टार्ट हो गई। तो ITCZ का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से विंड एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। कब, जब हमारी ITCZ का नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ट्रांसफर होता है, और इसका रीजन भी यही सारी चीजें होती है कि विंड में ITCZ कैसा रहा उससे एक तरीके से इंपैक्ट पड़ता है।
तो ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो याद रखना, सर्दियां गर्मी पड़ने का एक और रीजन ट्रांसफर ऑफ, इन सब का ट्रांसफर होना डायरेक्शन का, उसकी वजह से सर्दियां गर्मी हम लोगों को दिखाई देती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ चेंज भी आप लोगों को दिखाई देंगे। तो गर्मियों के टाइम नॉर्थ की तरफ ITCZ का शिफ्ट होगा और नॉर्थ की तरफ ITCZ शिफ्ट होगा, तो ये जो प्लेनेटरी विंड है या जो बेल्ट है वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे और इस वजह से सर्दी और गर्मियों में आप लोगों को डिफरेंस दिखाई देगा और इस वजह से ही हमारे देश में मानसून का सीजन भी आता है। अगर ITCZ इधर ही होता तो मानसून के सीजन में थोड़ी सी दिक्कत होती, क्योंकि वो इधर की तरफ हो जाता है 23.5 की तरफ और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और नीचे समुद्र के आसपास हाई प्रेशर बनता है, तो ये विंड मानसून के लिए हमारी तरफ, हमारे एरिया की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। वहीं विंटर सीजन में उल्टा हो जाता है, इंडिया के जो मेन आइलैंड है वहां पे हाई प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है और ओशियन की तरफ लो प्रेशर, इसलिए हमारे मेन कॉन्टिनेंट से जो इंडिया का पार्ट है यहाँ से इंडियन पेनिनसुला से जो विंड है वो सी की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे जो डायरेक्शन में चेंज होता है इसका रीजन होता है कि भाई कैसे इनका शिफ्ट हो रहा है प्लेनेटरी विंड का एक बेल्ट से दूसरे की तरफ, उससे कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, ये जो बेल्ट है ट्रॉपिकल बेल्ट वेस्टर्नली बेल्ट, इनका इंपैक्ट वहां पर ज्यादा दिखता है जहां पर लैंड वाला एरिया नहीं, और आप लोग अगर मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा लैंड वाला एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर में काफी कम है, इसलिए वेस्टर्नली से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर में एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे लैंड होने की वजह से वो एक तरीके से उसकी जो स्पीड है या उसकी जो डायरेक्शन है उसको इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में काफी कम लैंड होने की वजह से इन विंड का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। तो ये चीज भी याद रखना कि किसका विंड किसके ऊपर, इसलिए वहां पे कहा भी जाता है कि 40 डिग्री जो विंड चलती है वेस्टर्नली वो वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि शिप को आगे जाने नहीं देती। अगर उसकी डायरेक्शन में जा रहा है तो अच्छी चीज है और डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो उसको बीच में रोक ले, और कई बार वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ट्रेड के लिए जो शिप जा रहे होते हैं उन्हें जाना भी बहुत काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि एटमोस्फेयर सर्कुलेशन क्या होता है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। एटमोस्फेयरिक सर्कुलेशन का मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो विंड का एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है उसी को एटमोस्फेयरिक सर्कुलेशन कहते हैं, और उसके चलने के कुछ रीजन होते हैं। पहला रीजन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशरों के बीच चेंज होना। दूसरा रीजन जो उनको डायरेक्शन देता है वो कौन सा है, कोरियोलिस फोर्स। इनको हम उसकी डायरेक्शन के बेस पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री इक्वेटर है वहां पर टेम्परेचर हाई होता है इसलिए लो प्रेशर बनता है, 30 डिग्री पर अर्थ के रोटेशन की वजह से हाई प्रेशर बनता है, और 60 डिग्री में 30 डिग्री और 90 डिग्री से जो विंड आती है उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्रंट बनता है और उस वजह से लो प्रेशर बनता है, और 90 डिग्री पर टेम्परेचर काफी लो होता है इसलिए हाई प्रेशर बनता है। ऐसा ही होता है साउथ वाले पार्ट में, और 0 से 30 डिग्री यहाँ पे हाई प्रेशर, 30 से 60 डिग्री लो प्रेशर और यहाँ 90 डिग्री। इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का चलना होता है और विंड हाई से लो की तरफ चलती है, लेकिन सिर्फ कोरियोल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो डायरेक्शन देता है वो देता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मतलब प्रेशर में चेंज होना। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन भी जो इंपैक्ट करता है वो है कोरियोलिस फोर्स, जो विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरह चलेंगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में
एंटी क्लॉकवाइज आपको देखेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 0 से 30 डिग्री है उसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से होती है, इसलिए इसका एक और नाम ईस्टर्ली विंड और इसे ट्रेड विंड भी कहते हैं। वही वेस्ट से चलने वाली 30 से 60 वाली को वेस्टर्ली विंड कहते हैं और ऊपर से पोल से चलने वाली को पोलर विंड कहते हैं। इनकी डायरेक्शन इधर वाले साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि भाई इन बेल्टों का शिफ्ट होना भी हो सकता है और शिफ्ट किसकी वजह से होता है, ITCZ की वजह से, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब हमारे सन की लाइट का अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से या तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाना हो या इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना हो, जब ये नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ दिखाई देता है तो हमारी जो ये प्लेनेटरी विंड है तो ट्रेड विंड 0 से 45 डिग्री तक दिखाई देती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सारी चीजें ऊपर ऊपर 15 डिग्री शिफ्ट होती जाती हैं जब सन की लाइट या ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। वही विंटर सीजन में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और जहां हम 45 डिग्री तक देख रहे थे कि भाई यहाँ पर ट्रेड विंड का डायरेक्शन होगा, उसकी जगह इस एरिया में आपको वेस्टर्ली दिखाई देगा और इससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टेम्परेचर पर भी, और 60 से 15 डिग्री जो आपको दिखाई देगा वो वेस्टर्ली दिखाई देगा और इसकी वजह से इंडिया में विंटर सीजन आता है और हमारे यहाँ हाई प्रेशर बनता है और इसी वजह से मानसून का जो आना है हमारे देश में समर सीजन में होता है, क्योंकि हमारे देश का यहाँ पर लो प्रेशर बनता है हाई टेम्परेचर की वजह से और समुद्र के पास हाई प्रेशर बनता है। वहीं जब विंटर सीजन आता है तो बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, हमारा हाई प्रेशर क्योंकि वेस्टर्ली का इम्पैक्ट और इधर लो प्रेशर तो विंड रिवर्स चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेल्ट हमारी अर्थ पर दिखाई देते हैं। तो अगला हम थोड़ा सा मैप के बारे में देख लेते हैं। कल हम लोगों ने कुछ इंपोर्टेंट रिवर देखी थी, किसकी, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, और हम लोग कनाडा में थोड़ा सा घूम के आए थे, तो आप लोगों के पास भी मैप होगा तो मैप निकाल लेना अपना। आज हम थोड़ी सी और इंपोर्टेंट एक दो रिवर जो USA में भी है उनको देखेंगे, और इन सबको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका एक और पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड के कुछ इंपोर्टेंट फीचर जानने हैं और साथ में वहां पर कोल कहां पे मिलता है, आयरन कहां पे मिलता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और कुछ फेमस शहर जहां पर कुछ फेमस चीजें मिलती हो वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। लास्ट वाली क्लास में हमने जो लास्ट देखा था वो सेंट लॉरेंस देखा था और हमने देखा था कि भाई जो सबसे लास्ट वाली जो लेग थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां पे हमने ग्रेट लेक देखी थी, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, ये वाली जो हमने लेक देखी थी वहां पर जो सबसे लास्ट वाली थी लेक ओंटारियो, वहां से सेंट लॉरेंस रिवर निकल रही थी और सेंट लॉरेंस रिवर के पास में दो इंपोर्टेंट शहर भी हमने देखे थे, एक मॉन्ट्रियल और दूसरा क्यूबेक। मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल भी है जो ओजोन गैस से रिलेटेड चीजों को काउंटर करने के लिए कि हम लोग ऐसी चीजों को बैन करें जो ओजोन को लेयर को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे, और फिर उसी एरिया में हमने क्यूबेक देखा था जिसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट रिवर जो USA में दिखती है उसको देखेंगे। तो USA जो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है वहां पर भी कुछ इंपोर्टेंट रिवर मिलती है। कल हमने जो रिवर देखी थी वो तो है ही, साथ में उससे भी आगे एक दो रिवर और है। सबसे पहले आपको USA में एक माउंटेन भी दिख रहा होगा जिसका नाम है अपलेसियन माउंटेन, बिल्कुल वेस्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, ईस्ट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा,
उस अपलेसियन माउंटेन के पास में ही एक रिवर भी है जिसका नाम है हडसन, हडसन रिवर, और हमने देखा था हडसन बे। और हडसन रिवर ये कहां से निकलती है? यूएसए का एक माउंटेन है जिसका नाम है अपलेसियन माउंटेन, और ये कैसा है? ऐसा है जैसे हमारे देश में अरावली। तो अपलेसियन माउंटेन आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, और यहां से हडसन रिवर दिखती है, और ये यूएसए की फाइनेंशियल सिटी न्यूयॉर्क, यूएसए का जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, लेकिन इनका जो फेमस शहर है जो इंडिया के मुंबई की तरह वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को हडसन रिवर दिखेगी, इधर देखना, अगर आप न्यूयॉर्क के इधर ये वाला जो पार्ट देखोगे, यहाँ पर अपलेसियन बेसिन है, ये वाला अपलेसियन माउंटेन जो यूएसए में कोल और आयरन ओर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बेसिक इंडस्ट्री इस अपलेसियन माउंटेन के आसपास है। और पानी कहाँ से मिलता है? इन ग्रेट लेक से पानी मिलता है, और यहाँ पर कोल और आयरन दोनों चीजें की हैं। पेंसिल्वेनिया एक शहर भी मिलेगा जहां पर आयरन और इंडस्ट्री का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और इसके पास में ही आपको न्यूयॉर्क जो इनकी फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर आपको देखेगा अटलांटिक ओशियन की तरफ ईस्ट पार्ट में यूएसए के। और ये किस रिवर के पास है? हडसन रिवर। हडसन रिवर न्यूयॉर्क सिटी से होके जाती है। और न्यूयॉर्क के बारे में और क्या क्या चीजें फेमस हैं? सबसे पहली बात हमने देखा फाइनेंशियल कैपिटल है किसकी? यूएसए की। यूएसए के फेडरल बैंक, यूएसए का जैसे हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे यूएसए का भी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में ही यहाँ पे यूएसए की हाईएस्ट पॉपुलेशन भी है, जैसे इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? मुंबई में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर भी कौन सा है? न्यूयॉर्क। साथ में जब ये फाइनेंशियल कैपिटल है तो यहाँ पर पब्लिकेशन, मीडिया, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ऐसा ही आपको मुंबई में भी दिखाई देता है। तो फाइनेंशियल कैपिटल की सबसे खास बात उसके पास ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे मुंबई के पास पोर्ट है, ऐसे ही इसके पास भी क्या है? न्यूयॉर्क पोर्ट है, और न्यूयॉर्क पोर्ट से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रोल प्ले करती है इनका। तो ये एक फेमस पोर्ट भी है इसका, यूएसए का, और यहाँ से काफी ज्यादा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारी चीजें होती है। और यहीं पर इन लोगों ने एक कैनाल भी बना दिया है, एरी कैनाल, उसका मेन रीजन वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। वाटर ट्रांसपोर्ट एक चीफेस्ट मोड है, तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाटर के थ्रू किया जाएगा तो इन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। और इस हडसन रिवर के बाद सेकंड जो रिवर, पहला हमने देखा हडसन, दूसरा जो रिवर है इनके पास पोटोमैक, पोटोमैक उसके जस्ट नीचे। और ये पोटोमैक रिवर की खासियत क्या है? ये भी अपलेसियन माउंटेन से ही निकलती है, और इसके पास ही इनकी जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वो पोटोमैक जो रिवर है उसके पास ही है। और ये भी कहां पे गिरेगी? अटलांटिक ओशियन में। एक और जो इम्पोर्टेंट रिवर जो यूएसए के लिए काफी ज्यादा फेमस है वो है मिसिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर
ये इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन इनके एग्रीकल्चर बेल्ट का पूरा डेवलपमेंट इस मिसिसिपी रिवर के आसपास ही है, और ये आपको कहां से दिखाई देगी, लेक सुपीरियर के पास से ही निकलती हुई, मिसिसिपी रिवर लेक सुपीरियर के पास से ही, जहां पर हमने सुपीरियर के पास एक डुलुत देखा था जहां उनका एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट था वो भी हो रहा था। तो मिसिसिपी रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है यूएसए की, जो इनके एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी है वो अवेलेबल है रिवर की वजह से। जैसे इंडिया में देखोगे गंगा का जो प्लेन है, गंगा यमुना का प्लेन, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी इसलिए अवेलेबल है तो गंगा का मीठा पानी वहां पर है। ऐसे आप कह सकते हो कि मिसिसिपी रिवर यूएसए की गंगा है, जहां पर उनका एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो इस मिसिसिपी रिवर के आसपास ही हुआ है। और इस मिसिसिपी रिवर के आसपास ही इनके कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी डेवलप है, और फिर बाद में कहां पर गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में। और इस मिसिसिपी रिवर का जहाँ डेल्टा बनता है उसके पास काफी ज्यादा क्रूड ऑयल, गैस और भी नेचुरल रिसोर्स यूएसए को मिलते हैं। तो मिसिसिपी रिवर जो लेक सुपीरियर के पास से निकलती है और इसके कोस्ट के पास एक शहर भी है सेंट लुइस, जो यूएसए में गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ही आपको देखेगा सेंट लुइस। ये यूएसए में किसके लिए फेमस है, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और यहां से यूएसए का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है खासकर मीट, ये एक्सपोर्ट काफी ज्यादा किया जाता है अलग अलग देशों में। और यहीं पर यूएसए का एक पोर्ट भी है न्यू ऑरियंस, ज्यादातर जो सामान है न्यू ओरियंस से ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। और यहीं पर यूएसए का काफी ज्यादा सुगर केन वो भी यहाँ पर मिलता है, तो सुगर केन की जो क्रॉप है वो भी यहीं पर डेवलप है। और यूएसए सुगर केन का यूज बहुत सारे इथेनॉल और मिथेनॉल बनाने में करता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा मीठा कम खाते हैं, आप डेवलप कंट्री में देखेंगे मीठा बहुत कम खाते हैं। तो इसका यूज ये किसके लिए कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं अपने पशुओं के चारे के लिए, और दूसरा उससे मिथेनॉल या इथेनॉल भी बना सकते हैं, जिससे इन्हें ऑयल और गैस की जरूरत कम पड़ेगी। और मिथेनॉल इथेनॉल का ब्लेंडिंग हम किस में करते हैं, अपने पेट्रोल या डीजल में, उससे वो क्या होता है ग्रीन बन जाता है और उसमें CO2 या कार्बन निकलने की पॉसिबिलिटी कम होती है, तो इसलिए ये इसका यूज करते हैं इसके पास। और साथ में यहाँ पर पानी है, ऑब्वियसली बात है राइस की क्रॉप भी होगी, तो बाउल ऑफ राइस, मिसिसिपी रिवर को बाउल ऑफ राइस मतलब चावल का कटोरा वो भी हमें से कहते हैं यूएसए के। तो यूएसए के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिसिसिपी रिवर, और ये यूएसए की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो उनके 25 स्टेट से भी ज्यादा से जाती है। आप लोगों को नहीं दिख रहा तो एक बार इधर देखना, ये वाला जो है जो जहां पे लेक सुपीरियर देखोगे इसके पास ही मिसिसिपी रिवर यहां से ऐसे निकलेगी सेंट्रल प्लेन से होते हुए, और इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको मिसिसिपी डेल्टा ये बनाएगी। और यहां पर आप लोग देखोगे तो ये इनका न्यू ओरियंस एक पोर्ट है जहां से ये राइस सुगर केन साथ में ही पेट्रोल गैस ये सारी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम ये लोग करते हैं। तो मिसिसिपी रिवर, इसीलिए मैंने कहा कि मिसिसिपी रिवर क्या है, गंगा है इसके लिए यूएसए के लिए। तो यूएसए की गंगा अगर कोई पूछे तो आप याद रखना मिसिसिपी रिवर और यूएसए की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर। ये हमने तीसरा रिवर देखा जो यूएसए में। अगला इनके यहां एक और रिवर जो रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे जो रिवर है वो बॉर्डर क्रिएट करती है, नेचुरल बॉर्डर
किसके बीच? यूएसए और मैक्सिको के बीच। नेचुरल बॉर्डर का मतलब क्या होता है? जब कोई माउंटेन या रिवर या कोई प्लेटू दो कंट्रियों के बीच बॉर्डर बनाए तो उसे नेचुरल बॉर्डर कहते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस जो रिवर है ऊपर की तरफ आप देखेंगे वो नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ऐसे ही यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर से एक जो रिवर जाती है उसी का नाम है रियो ग्रांडे। तो ये रिवर एक तरफ इसके ऊपर की तरफ यूएसए है, नीचे की तरफ मैक्सिको है और इन दोनों के बॉर्डर से होते हुए जाती है। तो रियो ग्रांडे रिवर दोनों के बीच क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है और उसके बाद कहां गिर जाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यूएसए और मैक्सिको के बीच बॉर्डर वाले रिवर का नाम क्या है? रियो ग्रांडे। और ये गिर कहां जाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और ये निकलती कहां से है? कोलोराडो। कल हमने या पहले भी हमने देखा था एक प्लेटू है कोलोराडो। कोलोराडो प्लेटू से ये निकलती है और उसके बाद रियो ग्रांडे यूएसए और मैक्सिको के बीच बॉर्डर बनाते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में चली जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा रिवर है वो आपको दिखेगा कोलोराडो रिवर। ये कहां पे दिखेगा? कैलिफोर्निया साइड। कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए का और अब हम कहां पर पहुंच गए? पैसिफिक ओशियन साइड। पैसिफिक ओशियन में आप जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगी कोलोराडो रिवर। रेडो रिवर जहां आप कोलोराडो पठार देखें वहीं पे कोलोराडो रिवर आप लोगों को देखें। और कोलोराडो रिवर की एक और खासियत, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी गॉर्ज, कि कोई भी रिवर गॉर्ज बनाती है, गल्फ बनाती है। तो गॉर्ज का मतलब थोड़ा सा नीचे, ऐसे जो रिवर बनाएगी उसे हम कहते हैं गॉर्ज। और गॉर्ज का अगला जो पार्ट होता है वो होता है कैनियन। जब ये और ज्यादा डीप हो जाए, थोड़ा सा धीरे धीरे रिवर अपना पानी लाती रहे और ज्यादा डीप हो जाए, तो गॉर्ज का ही जो नेक्स्ट पार्ट होता है या ग्रेट गॉर्ज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैनियन। तो कोलोराडो रिवर की एक खास बात कैनियन बनाती है और ऐसी बहुत कम रिवर होती है जो कैनियन बनाते हैं। इंडिया में एक आध रिवर आप कह सकते हो जैसे नर्मदा और तापी, वो गॉर्ज तो बनाती है लेकिन कैनियन नहीं बनाती। एक गल्फ के नीचे से बहेंगी लेकिन कैनियन के लिए बहुत ज्यादा डीप में जाना जरूरी है। और कोलोराडो रिवर ये सारी चीजें करती है और वहीं पर जहां पे कोलोराडो रिवर बनी होगी वहीं पे आप लोगों को दिखा होगा ग्रांड कैनियन। तो कोलोराडो रिवर एक ग्रांड कैनियन बनाती है, मतलब थोड़ा सा डीप में जाती है और गॉर्ज से भी बड़ा वाला। इधर वाला जहां हमने डेथ वैली देखा था उधर ही आप लोग देखना ग्रांड कैनियन। और ये किसकी वजह से बनता है? कोलोराडो रिवर की वजह से। तो कोलोराडो रिवर जो कोलोराडो प्लेटू के आसपास से निकलती है और उसके बाद ये एक ग्रांड कैनियन बनाती है। फिर उसके बाद किस में गिर जाती है? पैसिफिक ओशियन में गिर जाती है। और फिर उसके बाद आपको कुछ फेमस शहर दिखेंगे यूएसए के, जैसे सैन डियागो। ये पैसिफिक ओशियन से पनामा कैनाल की तरफ यूएसए का एक इंपोर्टेंट क्या है? पोर्ट है। अगर पनामा कैनाल, पनामा एक शहर दिख रहा होगा, वहां से यूएसए को अटलांटिक ओशियन की तरफ जाना है तो वो वेस्ट से अगर जाना चाहती है तो सैन डियागो पोर्ट का उन्हें यूज करना पड़ता है। और यहाँ पर एक और शहर है लॉस एंजलिस या लॉस एंजल्स, ये भी यूएसए का एक शहर है जो इसके पास ही है। यहाँ पर इनके जो एरोप्लेन की इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है, उसका रीजन ये वाला एरिया काफी ज्यादा ड्राई रहता है और ड्राई एरिया में ही आप लोग एरोप्लेन की टेस्टिंग कर सकते हो, वरना ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो एरोप्लेन में दिक्कत होगी।
इसीलिए एरोप्लेन को ऊपर भी जब उड़ाया जाता है ना तो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाया जाता है। उसका रीजन स्ट्रेटोस्फीयर में ना क्लाइमेट चेंज होता है, ना क्लाउड बनते, वहां पर रेनफॉल ये सारी सिचुएशन नहीं होती। ऐसे ही लॉस एंजलिस भी इनका एक ड्राई प्लेस है और यहाँ पर काफी ज्यादा एरोप्लेन की इंडस्ट्री डेवलप है यूएसए की। तो यूएसए की एरोप्लेन इंडस्ट्री लॉस एंजलिस के आसपास डेवलप है और उसका रीजन एक ड्राई जोन होने की वजह से। और यहीं पर एक और शहर देखेगा सैन फ्रांसिस्को, जहां पर इनके आईटी सेक्टर का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और इसी में सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली, यूएसए की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को शहर में ही है और जो इनके कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसी का पार्ट है। और इंडिया की सिलिकॉन वैली बैंगलोर में है जहां पर हमारे आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और इस वजह से इंडिया काफी ज्यादा आईटी सेक्टर में आगे है। और उसका रीजन हमारे यहाँ सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वाले एरिया में सैन फ्रांसिस्को की एक और खास बात, ये जो पड़ता है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट वाले जोन में पड़ता है। जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तब आप जानोगे कि मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या होता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट में ऐसा होता है कि यहाँ पर सर्दियों के टाइम बारिश होती है, गर्मियों के टाइम मौसम ड्राई रहता है। और सर्दियों के टाइम बारिश होने की वजह से यहाँ पर फ्रूट्स काफी ज्यादा होंगे, रस वाले जो फ्रूट्स हैं वो काफी ज्यादा आपको देखेंगे यहाँ पर, आपको संतरे, ऑरेंज, साथ में एप्पल, ये सारे फ्रूट दिखाई देंगे। और इस वजह से जब फ्रूट इंडस्ट्री डेवलप है तो मेडिटेरियन के पास डेवलप कंट्रियों में वाइन इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो लोग फ्रूट से ही अपनी दारू या कोल्ड ड्रिंक या वोडका जो भी है वो बनाते हैं। तो इसीलिए मेडिटेरियन क्लाइमेट के पास जो भी शहर होगा या जो भी एक पार्ट पड़ेगा वहां पर आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी वाइन इंडस्ट्री आपको डेवलप होती दिखाई देंगे। आगे आप जाओगे तो एक आइलैंड पड़ेगा वैनक्यूवर, जो कहां पे है वो है कनाडा में। तो ये सारा हमने जो यूएसए का जो मैप है नॉर्थ अटलांटिक कॉन्टिनेंट का मैप हम लोगों ने देख लिया है, जो भी यहाँ की इम्पोर्टेंट चीज थी वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगला जो हम मैप या तो साउथ अमेरिका कर सकते हैं या एशिया वाला मैप, जोन साहब आप कहोगे वही वाला मैप हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नहीं तो साउथ एशिया का कर देते हैं क्योंकि आप लोगों ने एशिया के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा तो वो आप लोगों के लिए इजी भी होगा। और आप लोग एक बार